नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है गाइड फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपके थर्ड चल रही है और टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा और सब टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की कुछ शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ, जिसमें हमने 9 पॉइंट कम्प्लीट कर लिए थे। 10 पॉइंट है हमारा योग्य अध्यापक, 10 पॉइंट है योग्य अध्यापक, 10 पॉइंट है योग्य अध्यापक, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष योग्यता वाले अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ में यह है कि अध्यापक ऐसे हों जो योग्यता वाले हों, शैक्षिक योग्यता जिनकी हों, साथ में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य जिनका ठीक हो, और प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रतिभाशाली बालकों को समय समय पर दिशा निर्देशन प्रदान करें, ऐसे योग्य अध्यापकों की व्यवस्था प्रतिभाशाली बालकों के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है 11 है सहगामी क्रियाएं। यानी कि पढ़ने लिखने के अतिरिक्त प्रतिभाशाली बालकों को अवश्य अवसर मिलने चाहिए, यानी कि पढ़ने लिखने के अतिरिक्त भी दूसरी ओर से प्रतिभाशाली बालकों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिसमें वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियों में भाग ले सके, शैक्षिक कार्यों को कर सके। अगर उनको शैक्षिक कार्यों में भाग नहीं दिया गया तो अब वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लग जाते हैं, और अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हुए वो गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में शैक्षिक गतिविधियों यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियों में भी उन बालकों को अवसर देने चाहिए, उनके मनपसंद खेलों में उनको भाग लेने देना चाहिए। साथ में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों के द्वारा या विद्यालयों के द्वारा, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रतिभाशाली बालक अपने मनपसंद के खेलों का चुनाव कर सके, और अपने मनपसंद के खेलों का चुनाव करते हुए वो उन खेलों में भाग ले सके। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अलावा यानी कि शैक्षिक गतिविधियों के अलावा प्रतिभाशाली बालकों को शैक्षिक गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है 12 है रुचियां एवं प्रिय कार्य से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न प्रकार के कार्यों में रुचि होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की रुचि विभिन्न प्रकार के कार्यों में होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों का मन बहुत से ऐसे कार्यों की तरफ उनकी रुचि होती है जिसके लिए स्कूलों में प्रबंध किया जा सकता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उनका रुझान होता है, उनकी रुचि होती है। इसके विकास के लिए यानी कि विभिन्न कार्यों की तरफ जब प्रतिभाशाली बालकों का रुझान होता है, उनकी रुचि होती है या उनका मन होता है, तो इसके लिए विद्यालयों में प्रबंध किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे कि कोई निबंध प्रतियोगिता, कोई गेम प्रतियोगिता, तो ऐसी प्रतियोगिता की तरफ जो प्रतिभाशाली बालकों को जो प्रिय कार्य लगते हैं और जिनमें उनकी रुचि होती है, ऐसे कार्यों का विद्यालयों में प्रबंध किया जाना चाहिए, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की जिस विषय में रुचि हो, जिस कार्य में रुचि हो, जिस खेल में रुचि हो और जो कार्य उनको प्रिय लगे, उस कार्य की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे ये होगा कि वो अपनी रुचि का और अपने प्रिय कार्य के प्रति लगे रहें और साथ में उनकी प्रतिभा निखर के सामने आए और प्रतिभाशाली बालक अपने कार्य में व्यस्त रहे, ताकि वो गलत कार्यों की तरफ
आकर्षित ना हो, गलत कार्यों गलत संगति की तरफ आकर्षित ना हो, गलत समूह में जाकर वो शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि उनको किसी न किसी कार्य में लगा रहने से उनका मन उस कार्य के प्रति, उस रुचि के प्रति और अपने प्रिय कार्य के प्रति ही लगा रहेगा। साथ में यह है कि बालकों की शिक्षा का, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रबंध विशेष सुविधाएं, यानी कि सामान्य विद्यालयों में कुछ विशेष सुविधाएं और विशेष व्यवस्थाएं करके दिया जा सकता है। और इन बालकों को निर्देशन हेतु उचित रूप से विशेष प्रबंध किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उनको विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है, लेकिन इनके लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। बल्कि सामान्य विद्यालयों में रहते हुए ही इनको उचित प्रकार का निर्देशन प्रदान करते हुए ही इनको कुछ शिक्षा में व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ये आपके 1 से लेकर 12 तक के पॉइंट